चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसको कहते हैं पोटैटो नूडल्स फिंगर। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज के पोटैटोस, उनको मैंने बॉयल करके बाद में छील लिया है। ठीक है, ये मेरे पास मैदा है, ये राइस फ्लोर 4 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अनियन, ये बता दूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ही नमक मैंने लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली ली है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना, और 2 नूडल्स के पैकेट लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पोटैटो को ग्रेट कर लेना। ठीक है, सारे पोटैटोज को ऐसे ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, ऐसे सबको ग्रेट कर लेना है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाद में क्या करना है। ये देखिए जी, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ग्रेट। ये देखिए, ठीक है, अब हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून अनियन, ये ऐड कर देना है, 4 टेबल स्पून राइस फ्लोर ऐड करना है, और ये जो मसाले हैं ये सारे ऐड कर देने हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून ही 1/3 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, और 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला ऐड किया। ये सारे ऐड कर देने हैं इसके बीच में, अच्छी तरह साफ कर लेना। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना अच्छी तरह, ये बाद में बताऊंगी क्या करना है इसको। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए जी, सारा मिक्स कर लिया मैंने, अब एक स्पून लेना, उसके साथ हमने साइज के हिसाब से कर लेना है, ताकि इक्वल साइज में, इसलिए हमने स्पून के साथ लिया, थोड़ा छोटा है, 1/2 यानी कि 1.5 स्पून कर लिया आप। ये देखिए इस तरह बना लेने हैं सारे, मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। कैसे पहले रोल कर लेना है, रोल करने के बाद इस तरह, चलो जी ये देखें, ये कंप्लीट बन चुके हैं हमारे स्नैक्स। अब आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। अब हमने क्या करना है, 2 नूडल्स के छोटे पैकेट लिए हैं, और इनको किसी चीज़ से क्रश कर लेना, थोड़ा बारीक सा, मतलब अच्छी तरह क्रश कर लेना। ठीक है, ये देखिए चेक कर लें, क्रश हो चुके हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, खोल के प्लेट में डाल देती हूँ। जो उसमें से मसाला निकलेगा वो नहीं भी इसमें डालना, मैं बताऊँगी क्या करना है उनको। मसाले को दोनों को निकाल लेना है। ठीक है, अब ये डाल दिए इसमें, अब जो अंदर से बड़े बड़े रह गए थे उनको हाथ से मैश कर लेना, क्रश कर लेना। मतलब आप लोगों ने इसके नूडल के क्रम्स बनाने हैं, जैसे ब्रेड क्रम्स होता ना, ऐसे नूडल के क्रम्स बना लेने हैं। जी मैं हाथ से कर रही हूँ मैश क्रश, ये हो गए, ये देखिए इस तरह ही करने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब लेना है मैदा और पानी, और जो नूडल के पैकेट्स थे जो निकले मसाले वाले वो इसमें ऐड कर देने, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करनी है, और पानी इतना डालना है कि, और नमक भी थोड़ा सा ऐड करना है, चुटकी नमक ये कर लें या
1/4 टीस्पून ऐड कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, मैं नमक ऐड करती हूँ इसमें, नहीं ठीक इतना सा ऐड करने हैं आप लोग। और उसके बाद मसाले दोनों वो ऐड करने हैं, नूडल्स मसाला खोल के इनको अच्छी तरह हिला लेना ताकि गिरे ना, ये भी इसमें ऐड कर देने हैं, दोनों मसाले ऐड कर देने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने नॉर्मल खाना तो एक पैकेट ही ऐड कर लें, मैं यहाँ पे दोनों ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब इनको फॉर्क के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि मसाला सारा मिक्स हो जाए। फॉर्क के साथ मिक्स कर रही हूँ, मिक्स। अब पानी ऐड करना है, पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा थिक पेस्ट भी नहीं बनाना और ना ज़्यादा थिन पेस्ट बनाना है, मतलब नॉर्मल हो के उसमें वो फिंगर जो है वो पोटैटो फिंगर जो है मिक्स होने से तरह मतलब लग जाए उसके ऊपर। मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह, बताती हूँ किस तरह का पेस्ट बनाना है आप लोगों ने। अच्छी तरह सारा मिक्स करना, कोई भी इसमें लम्स बाकी ना रहे। ये देखें इस तरह का बना लेना है। ठीक है, अब ये नूडल क्रम्स और ये जो बनाए थे पोटैटो के फिंगर्स, इनको पहले हमने इसको उठाना है और इसमें मैदे में वो मैदा लगाना है, मैदे में डिप करके हिला लेना और ध्यान रखना टूट ना जाए। ठीक है, फॉक से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। अब ब्रेड क्रम में वो नूडल क्रम्स में ऐड करना है, अच्छी तरह लगा लेना। ये देखें इस तरह लगा लेना है आप लोगों ने, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको साइड के प्लेट में रख देती हूँ, एक और आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ये खाना है और मैदे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम नूडल क्रम्स लगा लेने हैं, ब्रेड क्रम मुँह से निकल जाता है, नूडल क्रम्स लगा लिए इस तरह। ये देखिए अच्छी तरह लगा लेनी है। ठीक है, अब मैं सारे बना लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, इनको फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीजर में, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में। ठीक है, 15 मिनट के बाद फ्रिज में रख देना, अब फ्रिज में रखने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए अब मैंने घी गर्म कर लिया पैन में और नीचे आँच ला दी, अब इसमें डालते हैं। और आँच आप लोगों ने नॉर्मल रखनी है, मतलब मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। वैसे तो सारा पका हुआ अंदर वाला मटेरियल, लेकिन फिर भी आपने ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए और गोल्डन ब्राउन करना थी। ठीक है, ये पक रहे हैं, अब ज़्यादा हिलाना नहीं है, टूट भी सकते हैं। ये देखें अब इसको पलटते हैं थोड़ा सा, ये देखें हो रहे हैं ब्राउन गोल्डन गोल्डन से, अभी लाइट हुए हैं, दूसरे को भी पलट लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, फ्राई करेंगे तो। ये देखें पक गए, ये देखें, ये देखें जी ब्राउन हो गए गोल्डन, इस तरह का कलर आ गया तो आप लोगों ने निकाल लेना है इनको। अब चेक कर लेते हैं कहीं से रह तो नहीं गया, दूसरे को भी चेक करती हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा सा और कैसे कर लें, अब निकाल लेते हैं इनको। इतना अच्छा कलर आया, इस तरह का कलर बनाना निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं सारे रेडी, ये देखते हैं सारे रेडी हो चुके हैं। ये हमारे फिंगर पोटैटो नूडल्स की फाइनल लुक, देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं, मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत मज़े के। ये देखिए भी बस अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।